हे गाइस, वेलकम टू द सेशन। आज हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे इसके पार्ट सिक्स की, जनरल स्टडीज एमसीक्यूज का पार्ट सिक्स, जो स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जल के जमने से उसके आयतन में किस तरह का परिवर्तन आता है? व्हाट काइंड ऑफ चेंज ऑक्योर्स इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन इट फ्रीज? जल का जो जमना होता है, जब जल जम जाता है तो उसके आयतन में उससे किस तरह से परिवर्तन होता है, ये बताना है। आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, आयतन स्थिर रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम रिमेंस कॉन्स्टेंट, या नन ऑफ द अबव। अगर जो पानी है वो जम जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या परिवर्तन आएगा, ये बताना है। तो इससे परिवर्तन आता है, आयतन बढ़ जाता है। अगर पानी जम जाए, जल जम जाए, तो उसमें उसका जो आयतन है वो बढ़ जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जल के जमने पर उसका आयतन बढ़ता है। ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त होता है? अंगोरा वूल इज ऑब्टेंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? भेड़ से, फ्रॉम सीप, खरगोश से, फ्रॉम रैबिट, बकरी से, या फ्रॉम गोट, जेबरा से, फ्रॉम जेबरा। किससे अंगोरा ऊन प्राप्त होता है? अच्छा क्वेश्चन है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? भेड़, खरगोश, बकरी, या जेबरा में से बताना है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो अंगोरा ऊन प्राप्त होता है खरगोश से, बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, जैसे पश्मीना आपने सुना होगा, तो वहाँ पर पश्मीना एक भेड़ होती है, बकरी टाइप की, उसी टाइप का होते हैं वो, भेड़ होती है वहाँ पे कश्मीर में, तो उससे पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। जैसे ही वैसे ही अंगोरा ऊन प्राप्त होती है खरगोश से। ठीक है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? खरगोश से, बी आंसर। निम्नलिखित में से कृषि उड़ान योजना किससे संबंधित है? विद विच ऑफ द फॉलोइंग कृषि उड़ान योजना इज रिलेटेड? शीघ्र खराब होने वाले कृषि उत्पादों के परिवहन में सहायता से, एड टू एड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिसेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फसल बीमा से, क्रॉप इंश्योरेंस, मुफ्त बीज वितरण से, फीड फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री सीड डिस्ट्रीब्यूशन, कृषि उत्पादों के क्रय से, या परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। कृषि उड़ान योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये बताना है। जल्दी खराब होने वाली कृषि उत्पाद जो होते हैं उनके परिवहन में सहायता से, फसल बीमा से, मुफ्त बीज वितरण से, या कृषि उत्पादों के क्रय यानी के खरीद से। चारों में से बताइए। कृषि उड़ान योजना, योजनाएं अधिकतर पूछ ली जाती हैं। तो जो कृषि उड़ान योजना है वो जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पाद जो हैं उनके परिवहन में सहायता से है। उड़ान से आप अंदाज लगा सकते हैं, कृषि में उड़ान यानी के उसको जल्दी जल्दी परिवहन करना। ठीक है, ए आंसर है इसका। नेक्स्ट है, सिरेमिक मेम्ब्रेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए विद रेफरेंस टू सिरेमिक मेम्ब्रेन्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, इसे एल्यूमिना और क्ले जैसे कार्बनिक पदार्थों से तैयार किया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटीरियल सच एज एल्यूमिना एंड क्ले। इसे भारी धातुओं से संदूषित जल के उपचार हेतु विकसित किया जाता है किया गया है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड टू ट्रीट वाटर कंटेमिनेटेड विद हैवी मेटल्स। जल को जब इन झिल्लियों से प्रवाहित किया जाता है तब यह फिल्टर अन्य प्रदूषकों के साथ साथ आयरन, आर्सेनिक, क्लोराइड, फ्लोराइड आदि धातुओं को पृथक कर देता है। यह उपयोग में से कौन से कथन सही है, ये बताना है। When water is passed through these membranes, this filter separates metals like iron, arsenic, fluorides, etc. along the other pollutants. Which of the above statements is or are correct? चौथे का बताना है, सिरेमिक मेम्ब्रेन के बारे में कौन सा या कौन से कथन सही है। इसमें तीनों कथन सही है, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। पहला, दूसरा, तीसरा, सिरेमिक मेम्ब्रेन के बारे में तीनों कथन सही हैं। आंसर हो जाएगा डी। क्लियर। चलिए, भुगतान बैंक हेतु आवश्यक न्यूनतम पूंजी कितनी है? व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर अ पेमेंट बैंक? पेमेंट बैंक यानी कि भुगतान बैंक के लिए आवश्यक न्यूनतम पूंजी कितनी है?
100 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए या 25 करोड़ रुपए। 100 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ या 25 करोड़। भुगतान बैंक के लिए आवश्यक न्यूनतम पूंजी कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान बैंक हेतु आवश्यक न्यूनतम पूंजी कितनी है? व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर अ पेमेंट बैंक? भुगतान बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी, आवश्यक पूंजी कितनी है? 100 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ या 25 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 100 करोड़ रुपये। भुगतान बैंक के लिए 100 करोड़ रुपये आवश्यक न्यूनतम पूंजी है। क्लियर, ए आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित हैं? टू होम इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मंत्रास रिलेटेड इन ऋग्वेदा? विष्णु से, वरुण से, इंद्र से या अग्नि से? विष्णु, वरुण, इंद्र, इसमें फायर नहीं पढ़ना है, इसको अग्नि पढ़ना है, ठीक है? जो ऋग्वेद है उसमें सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित हैं ये बताना है। इसमें इंद्र से संबंधित सबसे ज़्यादा मंत्र हैं, 250 मंत्र हैं। क्लियर है? खैर नंबर पे नहीं जाना है, इंद्र से संबंधित सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में मंत्राज हैं। सी आंसर है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? संविधान की 7वीं अनुसूची में, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में, संविधान की प्रस्तावना में या मौलिक अधिकारों के अध्याय में? 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन द प्रीम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। चारों में से बताएंगे कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ पर है। कल्याणकारी राज्य पर क्वेश्चन आता है, पूछ लेता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं उसमें कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई है। क्लियर, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी के बी ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी? पेन्नार, प्राणहिता, इंद्रावती, वंशधारा। चारों में से बताएंगे इसमें से गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? पेन्नार, प्राणहिता, इंद्रावती या वंशधारा? गोदावरी नदी की सहायक नदियां, इसमें प्राणहिता और इंद्रावती, सेकंड और थर्ड, प्राणहिता और इंद्रावती ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं, यानी कि आंसर ए हो जाएगा इसका, फर्स्ट वाला। गोदावरी की सहायक नदियां प्राणहिता और इंद्रावती, इंद्रावती सेकंड और थर्ड, ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स डू फिजिशियंस यूज टू मेजर हर्ट बीट? इलेक्ट्रोएनसीफेलोग्राम या क्रेस्कोग्राफ या ओसिलोग्राफ या स्टेथोस्कोप? इलेक्ट्रोएनसीफेलोग्राम या क्रेस्कोग्राफ या ओसिलोग्राफ या स्टेथोस्कोप, इनमें से चिकित्सक हृदय के स्पंद को नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट डू फिजिशियंस यूज टू मेजर हर्ट बीट? हर्ट बीट को नापने के लिए जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, वो किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप सबको पता होगा, ये वन डे एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। स्टेथोस्कोप को यूज करता है डॉक्टर हमारे हृदय के स्पंद को यानी के हर्ट बीट को नापने के लिए, स्टेथोस्कोप। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वाई होम आर द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंटेड? राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा या अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा? बाय द प्रेसिडेंट, बाय द गवर्नर, चेयरमैन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और चेयरमैन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें से बताइए राज्य लोक सेवा आयोग का जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा।
जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बी आंसर इसका हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है ये बताना है। आर्टिकल 124, आर्टिकल 110, 126, 101। संविधान जो संविधान में है सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है संविधान के, यह है आर्टिकल 124 में। इसमें जिक्र किया गया है सर्वोच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 124। ध्यान रखना क्वेश्चन बनता है। निम्न में से कौन सा विकल्प राष्ट्रपति के संदर्भ में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रेजिडेंट। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ही हैज़ कम्प्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, किसी भी विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। कैन सेंड एनी बिल टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। वह भारत का प्रथम नागरिक होता है, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। उपरोक्त में से कोई नहीं या नन ऑफ द अबव। राष्ट्रपति के संदर्भ में यानी राष्ट्रपति के बारे में बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, किसी भी विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु भेज सकता हो, वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। इसमें 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो बिल्कुल सही है, भारत का प्रथम नागरिक होता है ये भी सही है, किसी भी विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। ठीक है, तो 12वें का आंसर हो जाएगा इसमें बी। उसने पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो बी सही नहीं है, हर विधेयक को वापस नहीं भेज सकता है। संविधान की प्रस्तावना में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया शब्द नहीं है। जो संविधान की प्रस्तावना है हम भारत के लोग, तो उसमें कौन सा 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया? द वर्ड एडेड बाई द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट। कौन सा? समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी, गणराज्य रिपब्लिक, इनमें से कोई नहीं या नन ऑफ द अबव। कौन सा ऐसा वर्ड है समाजवादी, अखंडता, गणराज्य, जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया? इसमें समाजवादी और अखंडता जोड़ा गया है, गणराज्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे सी आंसर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों में शामिल नहीं है क्या? द फंक्शंस ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन डू नॉट इंक्लूड जेल में जाकर वहां की स्थिति जानना, मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध करना, मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित कारणों की समीक्षा करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। गोइंग टू जेल एंड नोविंग द सिचुएशन देयर, रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, द रिव्यू द सीजन्स रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, नन ऑफ द अबव। जो मानवाधिकार है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसके कार्यों में क्या शामिल नहीं है ये बताना है चारों में से। इनमें से उसका अधिकार क्षेत्र क्या नहीं है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो कार्य क्षेत्र में शामिल नहीं है, उपरोक्त में से कोई सा ऐसा नहीं है जो शामिल ना हो। ठीक है, तो डी है इसका आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। उसने पूछा था शामिल नहीं है, यानी कि सब शामिल है इसमें से, डी आंसर है इसका। नेक्स्ट है, विदेश यात्रा का अधिकार संबंधित है, राइट टू ट्रेवल एब्रोड इज रिलेटेड टू, अनुच्छेद 22 से, अनुच्छेद 21 से, 23 से, या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको विदेश में यात्रा करनी हो तो वो आपको अधिकार जो है किस आर्टिकल के द्वारा मिला है? विदेशी यात्रा का अधिकार किस आर्टिकल के द्वारा मिला हुआ है? अनुच्छेद 22, 21, 23 या इनमें से कोई नहीं। आर्टिकल 21 जीने का अधिकार जो है, जिंदगी जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, उसके तहत इसका अधिकार है, आप विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। क्लियर है, बी आंसर है इसका। निम्न में से कौन सी किस्म चावल की किस्म है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेराइटी ऑफ राइस, अर्जुन, कल्याण, चिंगम या मोती। अर्जुन, कल्याण, चिंगम या मोती में से कौन सी किस्म है जो चावल की किस्म है? ठीक है, तो चिंगम किस्म है चावल की, सी आंसर हो जाएगा इसका। चिंगम किस्म की किसकी है? चावल की। ध्यान रखना चिंगम जो खाते हैं आप उससे याद रख लेना कि एक तरह की चावल की किस्म है चिंगम। वैश्विक प्रतिभा स्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा?
व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020? 70वें, 68वें, 72वें या 81वें? 70th, 68, 72, 81। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? इसमें 72वें स्थान पर रहा है भारत, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 72nd जो पोजीशन है उस पर रहा है भारत 2020 के सूचकांक में। सी आंसर हो जाएगा इसका। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राजस्व घाटे की किस स्थिति को अच्छा माना जा सकता है? विच स्टेट ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट कैन बी कंसिडर्ड गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी? गिरावट, वृद्धि, स्थिरता या इनमें से कोई नहीं? डिक्लाइन, इंक्रीज, स्टेबिलिटी या नन ऑफ द अबव? भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राजस्व घाटे की किस स्थिति को अच्छा माना जा सकता है? इसमें गिरावट को अच्छा माना जाता है। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की जो राजस्व घाटे की स्थिति है, अगर राजस्व घाटे में गिरावट आएगी तो उसको अच्छा माना जाता है, यानी कि नुकसान में गिरावट आएगी तो उसको अच्छा ही माना जाएगा। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति हेतु जिम्मेदार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशन? मांग में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, सूखा, इनमें से कोई नहीं? इंक्रीज इन डिमांड, पॉपुलेशन ग्रोथ, ड्राई या नन ऑफ द अबव? मुद्रास्फीति अगर आ रही है या मुद्रास्फीति चल रही है तो उसके लिए क्या इनमें से जिम्मेदार नहीं है? इनमें से जिम्मेदार नहीं है, इनमें से कोई नहीं, मतलब मांग में वृद्धि है तो मुद्रास्फीति नहीं आएगी, सिंपल सी बात है। जनसंख्या वृद्धि से कोई मतलब नहीं है, अगर जनसंख्या में वृद्धि होगी तो मांग भी बढ़ेगी, उत्पादकता भी बढ़ेगी। सूखा होगा तो मुद्रास्फीति के लिए सूखा भी जिम्मेदार नहीं है। डी आंसर है इसका, इनमें से कोई नहीं। सॉरी, इसने ना नहीं पूछा था निम्न में से कौन मुद्रास्फीति हेतु जिम्मेदार नहीं है। हाँ, इनमें से कोई भी मुद्रास्फीति हेतु जिम्मेदार नहीं है, डी आंसर है इसका, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य प्रचंड बेरोजगारी से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डिसगस्ड, वो प्रचंड बेरोजगारी है, डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक श्रमिकों का होना, एक निश्चित समय तक ही रोजगार उपलब्ध होना, कार्य करने की इच्छा एवं योग्यता होने पर भी कार्य न मिलना, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें से बताएंगे प्रचंड बेरोजगारी से संबंधित क्या है। इसमें से जब कोई काम हो और आवश्यकता से अधिक श्रमिकों उसमें लग जाएं तो उसको प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। मान लीजिए कोई काम को 5 लोग कर सकते थे और उसमें 10 या 8 लोग काम कर रहे हैं तो वो एक तरह की प्रचंड बेरोजगारी है। ए आंसर इसका हो जाएगा, जितनी ज़रूरत है लोगों की उससे ज़्यादा काम करने को प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखेंगे, उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इसी तरह के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।